नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति आपको ले चलता हूं उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार की ओडीओपी योजना को अब और बड़ा मंच मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रख्यात अभिनेत्री कंगना रनावत को देश भर में धूम मचा रही ओडीओपी की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने के लिए हरी झंडी दे दी है। प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने 1 अक्टूबर शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में भेंट की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको अयोध्या के श्री राम लला की प्रतिकृति और ओडीओपी को गिफ्ट हैम्पर तोहफे में दिया। अपर मुख्य सचिव सूचना एमएसएमई निर्यात संवर्धन एवं खादी एवं ग्रामोद्योग नवनीत सहगल ने बताया कि मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर उनको ओडीओपी का एक उत्पाद तोहफे में दिया। योगी आदित्यनाथ सरकार की महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पादक ओडीओपी योजना को प्रसिद्धि के लिए नए पंख लगने जा रहे हैं। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री कंगना रनावत इस योजना की ब्रांड एम्बेसडर होंगी। उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे जिलों के उत्पाद और कारीगरों के हुनर को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। कंगना रनौत ने उनकी सराहना की तो योगी आदित्यनाथ ने योजना की खासियत और उद्देश्य को विस्तार से बताया। इसके साथ ही प्रस्ताव दिया कि इस योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनकर प्रचार प्रसार करें। इस पर अभिनेत्री कंगना ने कहा कि वे खुद हस्तनिर्मित उत्पादों का इस्तेमाल करती हैं और पसंद भी करती हैं। ओडीओपी योजना के उत्पाद और शिल्पकारों के हुनर के प्रचार प्रसार में उन्हें खुशी होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर से जुड़ा स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए कहा, कंगना रनौत को अयोध्या जाकर श्री राम लला के दर्शन का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि इस दौरान श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य के अवलोकन भी करें। इस पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने जल्द ही अयोध्या दर्शन की सहमति देते हुए कहा कि योगी जी भगवान श्री रामचंद्र की तरह तपस्वी राजा का यह उत्तर प्रदेश में राज रहे, आपको हमारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कंगना रनौत बीजेपी में शामिल होंगी या नहीं, अपने कमेंट्स हमें अवश्य दें। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।